अब सारे स्टूडेंट्स हॉस्टल रूम में बैठकर बात कर रहे थे। अब तक सारी परीक्षाओं में चिट्ठी रखकर पकड़े गए हैं। अब एक एग्जाम बाकी है, अगर उसमें भी चिट्ठी रखकर पकड़े गए तो मेरी खैर नहीं। हाँ यार, तो हमारा पास होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों, अच्छे से पढ़ाई करके लिखेंगे। क्या फिर से बोलो, पढ़ाई करके लिखेंगे? क्या हम पढ़ाई करके परीक्षा लिखने वालों में से हैं? पढ़ाई करके लिखना अच्छी बात है, लेकिन हमसे होगी क्या पढ़ाई? ये परीक्षा तो कल ही है, एक ही रात में सारा सिलेबस पढ़ना बहुत मुश्किल है यार। वो भी सही बात है। एक काम करें, सारे मिलकर एक एक चैप्टर पढ़ लेते हैं। कल के एग्जाम में मल्टीपल चॉइसेस ज्यादा होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, हर एक ऑप्शन का एक इशारा रख लेंगे। इशारा? वो कैसे? 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शंस, ठीक है? नाक गले को 1, अगर खांसे तो 2, छींके तो 3, अगर 2 बार छींके तो 4, ठीक है? वाह, सही विचार है। अगर हम में से किसी को उत्तर मालूम हुआ तो सभी को पता लग जाएगा। जैसे तुमने कहा वैसे ही करेंगे। ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि किस प्रश्न में छींकेंगे और किस में खांसेंगे? ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले के 10 प्रश्नों के उत्तर मैं बोलूंगा, फिर 10 प्रश्न के उत्तर तुम देना। इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा। अगर पहले 10 प्रश्नों में तुम्हें कुछ नहीं आया तो? ओह ठीक कहा तुमने, फिर क्या करें? प्रश्न के पेपर में एक एक इशारा रख दिया तो बस बात खत्म। इस तरह हमें एक इशारा रख रहा था और उस रात सब एक एक चैप्टर पढ़ लिया और दूसरे दिन परीक्षा केंद्र में बैठ गए। अब पर ब्रह्मम सर आ गए। शुभोदय गुरुजी, शुभोदय गुरुजी। शुभोदय, शुभोदय। क्या आज सब लोग बहुत होशियार दिख रहे हैं? क्या सबने से तुम फेल हो जाओगे? हाँ गुरुजी। इसलिए तो पढ़ना चाहिए, जो बोला जाए वो सुनते नहीं हो। तुम लोग फेल तो जरूर हो जाओगे, इस बार चिट्ठी रखकर मत लिखना। इस तरह तुम लोग कम से कम एक एग्जाम तो लिखोगे, अगर चिट्ठी लाए हो तो बाहर भेज दूंगा। ये कहते हुए पर ब्रह्मम पेपर बांट रहे थे। सब लोग प्रश्न पेपर पढ़कर अपने आप में खुश होने लगे। सबसे पहले किरण टेबल पर 3 बार छींक मारने लगा शोर से, भाई ऑप्शन 3 रख दिया। उसके बाद 2 बार शोर से खांसने पर सब लोगों ने ऑप्शन 4 रख लिया। इस तरह सब लोगों के खांसने और छींकने पर ब्रह्मम आश्चर्यचकित हो गए। क्या हुआ, सबको जुखाम हो गया क्या? एग्जाम लिखना छोड़कर सब लोग छींकने और खांसने लग गए हो? ऐसा कहते हुए उन्हें गुस्सा आ रहा था। सारे स्टूडेंट्स परीक्षा को खत्म कर देते हैं। सर परीक्षा खत्म हो गई, कागजात ले लीजिए। क्या, अभी तक तो सब खांस और छींक रहे थे, इतनी देर में कैसे लिख दिए? अगर आपको पता लगा आपका दिल धड़कना बंद कर देगा। क्या, अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। पेपर ले लीजिए। अभी नहीं, जब कागज सुधार करूंगा तब बताऊंगा तुम्हारा काम। सबके कागजात लेने पर प्रधान अध्यापक की ओर से एक घोषणा आई। प्रधान अध्यापक आवाज में, प्रिय विद्यार्थियों, आज की परीक्षा पेपर लीक होने पर इस परीक्षा को कैंसिल कर रहे हैं। 2 दिन में नया पेपर तैयार करके एग्जाम फिर से रखेंगे। इस तरह आवाज आई। इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट्स आश्चर्यचकित हो गए और वहीं बैठे बैठे सबने अपना सर पकड़ लिया। आज हम देखेंगे कि मुश्किल समय में भी हिम्मत ना हारने से भगवान भी आपकी मदद करते हैं। टीना बहुत ही शरारती बच्ची थी, हमेशा कोई ना कोई घमा चौकड़ी करती ही रहती थी और ज्यादा मस्ती करने पर उसे डांट भी पड़ जाती थी। टीना की परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, उसकी माँ और बाबूजी बड़ा संभाल के घर चलाते थे। वो दोनों एक डिब्बे में पैसा जमा किया करते थे। एक दिन टीना पूरे घर में
भागम दौड़ी कर रही थी। वो कभी अपनी माँ को गुदगुदाती तो कभी अपने पापा को। उस दिन टीना की माँ दाल बना रही थी। जैसे ही टीना की माँ किचन से बाहर गई, टीना एक कुर्सी ले आई और पैसों के डब्बा को निकालने लगी। बस सारे पैसे उबलती हुई दाल में गिर गए। शाम को टीना के पापा ऑफिस से लौटे तो मम्मी ने सारी बात बताई। पापा ने बताया कि उनकी नौकरी छूट गई है। घर में टेंशन का माहौल हो गया था। एक आइडिया है, यहाँ पर कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, सबको खाने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत पड़ती है। हम नाश्ते और लंच का स्टॉल लगा सकते हैं। बात तो सही है, पर लोग क्या कहेंगे? ओफो, क्या सोचेंगे? हमारा कोई अंबानी का फैमिली तो नहीं है ना? ठीक है कलावती, कल से ही काम शुरू करते हैं। ये हुई ना बात। मम्मी, आज तुम स्टॉल के लिए क्या बना रही हो? आलू पूड़ी। वाव, आई लव आलू पूड़ी। स्टूडेंट्स को आलू पूड़ी इतनी पसंद आई कि टीना के पेरेंट्स रोज वही बनाते और संडे को स्पेशल भी होता था। सब ठीक चल रहा था, तभी माँ अचानक से बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने टीना की माँ को 10 दिन की रेस्ट करने के लिए कहा। और 10 दिन में टीना की ट्रिप भी थी, अभी और पैसे भी जोड़ने थे। टीना और उसके पापा को तो खाना पकाना आता ही नहीं था। मम्मी ने कहा, हे भगवान, ये सब कैसे मैनेज होगा? स्टॉल में टिफिन्स कौन बनाएगा? आहा, तुम चिंता मत करो, हम दोनों सब संभाल लेंगे। अगली सुबह पापा और टीना ने मिलकर जैसे तैसे आलू पूरी बनाए। 2-4 दिन बाद ग्राहक कम होने लगे क्योंकि खाना टेस्टी नहीं बन रहा था। मेरी वजह से मम्मी पापा को इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, मैं ट्रिप पर नहीं जाऊंगी। काश 50 प्लेट आलू पूरी अपने आप बन जाते तो अच्छा होता। मैं ट्रिप पर नहीं जाऊंगी। टीना ने आटे का डब्बा खोला तो उसमें से एक प्लेट आलू पूरी निकला। अरे, ये सब कैसे हो गया? जैसे ही उसने उस आलू पूरी की प्लेट को बाहर निकाला, डिब्बे में से एक और निकला। इतने में उसके पापा वहां आ गए और एक के बाद एक वहां से 50 प्लेट आलू पूरी निकले। टीना ने पापा को पूरी बात बताई। क्या बात कर रही हो बेटा तुम? अरे, ये सब तो परिकथाओं में हुआ करते थे। आप खुद ही देख लीजिए ना। हाँ भाई, ये तो सच है। आइए टेस्ट करते हैं। अच्छा होगा तो आप फटाफट स्टॉल पर ले जाना ये सब। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है, बिल्कुल तुम्हारी मम्मी की बनाई खाने की तरह। टीना ने मम्मी को भी ये बात बताई। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है। टीना डिब्बे से रोज आलू पूरी की विश करती और उसके पापा जाकर उन्हें स्टॉल पर बेच देते। धीरे धीरे पुराने ग्राहक वापस आने लगे और 10 दिन में तो टीना के ट्रिप के पैसे भी जमा हो गए थे। 10 दिनों में माँ की तबीयत भी ठीक हो गई। 11वें दिन जब जादुई डब्बे से टीना ने आलू पूरी मांगी, उसे कुछ नहीं मिला। माँ समझ गई कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तीनों मिलकर स्टॉल के लिए खूब मेहनत करने लगे और टीना स्कूल ट्रिप पर भी जा सके। जादुई डब्बा अब फिर से एक सामान्य डब्बा था। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।